अलैकुम अज़ान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से आज से तीन दिन के लिए जमात अहमदिया जर्मनी को अपना जलसा सालाना मुनक़िद करने की तौफीक मिल रही है और जुमे के साथ ही जलसा सालाने का आगाज़ हो रहा है। अफराद जमात की इस्लाह के लिए जलसा सालाना के निकात की बुनियाद
जो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने डाली थी, उस पहले जलसे को इस साल 125 साल पूरे होने वाले हैं। वो जलसा जो कादियान की छोटी सी बस्ती में हुआ था और मस्जिद के एक हिस्से में 75 अफराद ने अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करने और दुनिया की इस्लाह और इस्लाम के पैगाम को हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वस्सलाम के मददगार बनते हुए दुनिया में फैलाने का जो अहद किया था, उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके काम और उनकी नियतों में ऐसी बरकत डाली कि आज यहाँ जर्मनी में जमात अहमदिया, यहाँ के बड़े बड़े मुयस्सर हालों और कॉम्प्लेक्स में से एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स जो वसी रकबे पर फैला हुआ है, इसमें अपना जलसा मुनक़द कर रही है। और इस वसी और इमारत के बावजूद बाज़ ज़रूरियात के लिए बाहर खुले मैदान में मार्कियाँ और खेमे लगाए गए हैं। अगर दुनियावी वसाइल के लिहाज से हम देखें तो हमारे लिए आज भी मुमकिन नहीं कि इतने वसी अखराजात कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला जमात के पैसे में बरकत डालता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें यहाँ जलसा मुनक़द करने की तौफीक अता फरमा रहा है। जलसे इंसामिया जलसा का ये जो एको वापस आती है, देखें आखिर तक आवाज़ भी सही जा रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने कहा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से इज़्ज़त पाकर इन जलसों का इनेकाद शुरू किया था और इसका मकसद अफराद जमात की इस्लाह था। इसका मकसद खुदा ताला की तरफ खींचे जाने की कोशिश करना था, इल्म मार्फत में तरक्की करना था, पाक तब्दीलियाँ पैदा करके उन्हें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना था। दुनिया की चाहतों और लगवियात से अपने आप को बचाना था। इस्लाम और अहमदियत के पैगाम को दुनिया में फैलाने का अहदो पैमान करना और उसे अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ पूरा करना था, इस्तेदादों के साथ पूरा करना था। आपस में मोहब्बत, प्यार और भाईचारे के रिश्ते को बढ़ाना था। बस पहलों ने इस काम को खूब निभाया। कादियान की छोटी सी बस्ती के जलसों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि आज इस नहज पर दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ जमातें कायम हैं, जलसे मुनक़िद हो रहे हैं। और इन जलसों का भी वही मकसद है जो कादियान के जलसे का हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वस्सलाम ने बयान फरमाया था और जिसका मैंने मुख्तसर में भी ज़िक्र किया है। बस अगर तो हम इस मकसद के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला के फ़जलों के
वारिस बनेंगे। अगर किसी मेले के तसव्वुर के साथ यहाँ आए हैं या हम में से कोई भी आया है तो ये बदकिस्मती होगी कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेक मकसद के लिए जमा होने के लिए कहा और हम जमा भी हुए, लेकिन नेक मकासद के हसूल के बजाय दुनियावी बातों में पड़ जाएं। बस यहाँ आने वाला हर अहमदी ये बात मद्देनज़र रखे कि इन तीन दिनों में दुनिया से बिल्कुल कतअ ताल्लुकी कर ले और इसके बाद भी दुनिया में रहने के बावजूद, दुनियावी कामों में पढ़ने के बावजूद, क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ है, दुनियावी काम, रोज़गार है, कारोबार है, ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद उन नेकियों को जारी रखने की कोशिश करने का अहद करके जाएं, ताकि जो यहाँ आपने पैदा हुई, ताकि खुदा ताला के फजलों को जज्ब करने वाले बनते रहें। इन दिनों में फ़र्ज और नफल इबादतों के अलावा ज़िक्र इलाही भी करते रहें। ज़िक्र इलाही से ख्यालात पाक रहते हैं और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रहती है, और इंसान बुराइयों से बचा रहता है। यही मकसद इबादात का है, और ज़िक्र इलाही लाजमी इबादात की तरफ भी तवज्जो दिलाती रहती है। और हकीकी इबादत फिर, अगर इंसान सही इबादत कर रहा है तो फिर उसकी वजह से ज़िक्र इलाही की तरफ तवज्जो रहती है। बस इस बात को हर एक को याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला ने इस्लाम में इबादत का एक रुकन रखा है जो हर हालत में हर मुसलमान पर तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाखों मुसलमान हर साल इस फरीज़े को सरंजाम देते हैं, यानी हज बैतुल्लाह का फरीज़ा। चंद दिन तक इंशाअल्लाह ताला ये फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। हज की इबादत की तरफ जहाँ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाकर मुसलमानों को ये कहा कि अपनी तमाम तर तवज्जोहात इन दिनों में अल्लाह ताला की तरफ रखो कि इसके बग़ैर हज का मकसद पूरा नहीं होता, वहाँ इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि मजमे की वजह से, एक जगह जमा होने की वजह से बाज़ बुराइयाँ भी पैदा हो जाती हैं। बावजूद इसके कि हज के माहौल की वजह से हर हज करने वाले से यही तो रखी जाती है कि उसको उस पाकीदा माहौल की वजह से किसी और बात का ख्याल नहीं आ सकता सवाए ज़िक्र इलाही के, तस्बीह के और तहमीद के। लेकिन अल्लाह ताला जो इंसानी फितरत को जानता है, उसने तीन बुराइयों की तरफ भी इस मौके पर तवज्जो दिला दी कि इन चीज़ों से बच कर रहना है तुमने। बस माहौल जैसा भी पाकीज़ा हो, इंसान को हर वक्त शैतान के हमलों से बचने की दुआ करते रहना चाहिए और होशियार होकर इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हज करने वालों को जिन तीन बुराइयों से बचने की तरफ तवज्जो दिलाई, इनमें से पहली ये है रफस, नमाया रफसा है, शवानी बातें तो इसका तर्जमा किया ही जाता है, लेकिन इसका मतलब बदकलामी करना, गालियां देना, गंदी और बेहुदा बातें करना, गंदे किस्से सुनाना, फजूल और लघु बातें करना, गप्पे वगैरह मारना, बैठ के मजलिसें जमाना,
یہ بھی ہے، یہ سب شامل ہیں اس میں۔ بس یہاں وضاحت سے ہر قسم کی لغویات، فضولیات اور گپیں لگانے کی مجالس سے منع فرما دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج پر جا کر یہ باتیں کون کرتا ہوگا، وہاں تو خالص ہو کر ہر ایک جو بھی حج پر جاتا ہے یا اس پہ تو اسے یہی تو رکھی جاتی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر نثار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج پر گیا تو ایک نوجوان میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے بجائے دعاؤں اور ذکر الہی کے وہ فلمی گانے گا رہا تھا، ہندوستان سے گیا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے تو دعائیں وغیرہ آتی کوئی نہیں، حج پہ کیا کی جاتی ہیں، ہم کاروباری آدمی ہیں، کلکتے میں ہماری کپڑے کی دکان ہے بڑی، ہمارے مقابلے پہ ایک اور بڑی کپڑے کی دکان ہے، بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان میں سے ایک حج کر کے آیا، ان مالکوں میں سے، اس نے اپنے دکان کے بورڈ پر حاجی بھی اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا۔ لوگوں کی اس طرف اس وجہ سے زیادہ توجہ ہو گئی کہ حاجی صاحب کی دکان ہے، اچھا مال دیتے ہوں گے۔ تو میرے باپ نے کہا مجھے کہ میں تو حج پر جا نہیں سکتا، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے جو بھی وجہ ہو، تم حج پر جاؤ تاکہ ہم بھی اپنا بورڈ لگا لیں۔ تو میرا تو یہ مقصد ہے کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس سے میں حج کر رہا ہوں۔ بس جب حج پر اس مقصد کے لیے لوگ جا سکتے ہیں تو پھر کسی اور عبادت یا جلسے پر کیا سوچ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوق نہیں کرنا حج کے دنوں میں، یعنی اطاعت اور فرما برداری سے باہر نہیں نکلنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، نیکی کے راستے سے جو نیکی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کو اختیار کیے رکھنا ہے اور برائی کی طرف نہیں جھکنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے دنوں میں جدال یعنی ہر قسم کے جھگڑے سے، لڑائی سے مکمل طور پر بچنا۔ حضرت مسلم معود نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہمارے جلسوں پر بھی اگر اس سوچ کے ساتھ لوگ آئیں جو اصول اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران برائیوں سے رکنے کا بیان کیا ہے تو غیر معمولی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ نے بڑی حقیقی اصولی بات بیان فرما دی اصلاح کے لیے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ جلسے کا مقام خدا نخواستہ حج کا مقام ہے، یہ اب جیسے بعض غیر امتیوں نے ہم پر الزام لگانا شروع کیا ہوا ہے قادیان ہم جاتے ہیں اس لیے حج کا مقام دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن دینی ترقی کے حصول کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرما دی، جہاں بڑے اکٹھ ہوں، مجمع ہوں، ان باتوں کو بھی خیال رکھو۔ اور اگر ہم دینی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونے والے جلسے میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری اصلاح کے معیار بڑھیں گے۔ جلسہ ایک عبادت تو نہیں لیکن ٹریننگ کیمپ ضرور ہے جو روحانیت میں ترقی کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس میں ہم اگر بد کلامی، گالیاں دینے، گندی اور بیہودہ باتیں کرنے، قصے سنانے اور کے کام کریں گے تو مقصد نہیں پورا ہو سکتا۔ بس اس میں ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم لغو ان باتوں سے بچیں گے اور لغو گفتگو سے بچیں گے تو یقیناً ایک پرسکون اور پرامن
और नेकियां बिखेरने वाला माहौल पैदा होगा और जलसे का मकसद पूरा होगा। फिर फसूक, जो अल्लाह ताला से की इताअत से बाहर निकलने का गुनाह है, इससे बचना है, यह ज़रूरी चीज़ है कि हम कामिल तौर पर जब दीनी मकसद के लिए आए हैं तो अल्लाह ताला की इताअत का जुआ अपनी गर्दन पर हमेशा डाले रखें। बस खुलासा ये कि कुरान करीम की तालीम को अपने ऊपर लागू करते हुए अल्लाह ताला की इबादत का हक भी अदा करना है हमें और बाकी अहकामात पर अमल भी करना है। फिर एक इंतहाई अमल जो ताल्लुकात को तोड़ने का ज़रिया बन जाता है और फिर ये ताल्लुकात सालों टूटे रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं, इनसे बचने का हुक्म दिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे के जो अगराज बयान फरमाई हैं वो इन्हीं तीन बातों के गिर्द हकीकतन घूमती हैं कि अपनी इस्लाह का मौका मिले हमें, अपने नफ्स की इस्लाह हो, फजूलियात से परहेज़ हो, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो पैदा हो और उसके हुक्मों पर कामिल इताअत से चलने की तरफ ख़ास तवज्जो पैदा हो और अपने भाइयों से ख़ास रिश्ता, मोहब्बत और भाईचारे का कायम हो और हर किस्म की खुदगर्जी और झगड़े को ख़त्म करें। जब आपने एक साल देखा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि आपस में एक दूसरे के हक़ अदा करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे लोग और ख़ुदगर्ज़ी बाद लोगों में पर गालिब आ गई है और बाद छोटी छोटी बातों पर बहस मुबासा और झगड़े की सूरत बनी है, तो आपने नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए जलसा ही एक साल मुनक़िद नहीं फरमाया। बस जलसे में शामिल होने वाले हर शख्स को ये याद रखना चाहिए कि उसने जहाँ इन दिनों में हर छोटी से छोटी बात में अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी है, अपना वक्त इधर उधर ज़ाया करने के बजाय जलसे में शामिल होने के मकसद को पूरा करते हुए तमाम प्रोग्राम जलसे का सुनना है, हर मुकर्रर की तकरीर में इस्लाह और नेकी की बातें मिल जाती हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं मिला या हम बहुत बड़े आलिम हैं। जितने बड़े मर्जी आलिम हों, कोई ना कोई बात मिल जाती है या कम अज़ कम याद दहानी हो जाती है। इन्हें इसलिए गौर से सुनना चाहिए, अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह की इबादत का हक अदा करें और फिर हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ भी तवज्जो रहनी चाहिए। यहाँ झगड़े और जदाल का तो सवाल नहीं होता, इस जलसे से हकीकी फैज़ पाने के लिए झगड़े और जदाल का सवाल नहीं कि झगड़ा होता है या नहीं होता। जलसे के हकीकी फैज़ के फैज़ पाने के लिए और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का वारिस बनने के लिए जिनके झगड़े चल रहे हैं पुराने, ये नहीं कि यहाँ जाके झगड़े करें, जिनके पुराने झगड़े चल रहे हैं उनको भी एक दूसरे से आगे बढ़कर सुलह करके उनको ख़त्म करना चाहिए, अपनी अनानियत को ख़त्म करें। मुझे इल्म है कि हर साल जलसे पर बाज़ पुरानी बातों की वजह से बदमज़गियाँ लोगों में पैदा हो जाती हैं, बाज़ ख़ानदानों में, बाज़ लोगों में, और बाज़ लोग आपस में लड़ भी पड़ते हैं। जलसे पर दो, हर एक यहाँ आया होता है, दो नाराज़ ग्रोहों का
या लोगों का आमना सामना हो जाता है। यहाँ तो हर अहम दिन आना है, इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि वो क्यों जलसे पर आया और वो क्यों नहीं आया। नाराज़ लोगों में, औरतों में भी और मर्दों में भी, एक दूसरे को देखकर जब इस तरह जिनकी नाराज़गियाँ पुरानी चल रही हों, जब एक दूसरे को देखते हैं तो तेवरियाँ चढ़नी शुरू हो जाती हैं, माथे पर बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर बाज़ लोग दूर से ही या चलते चलते कोई ना कोई तंज़िया फ़िक्रा कह जाते हैं, और इजहार यह होता है कि जिस तरह हमने इनको नहीं कहा बल्कि वैसी बात की, हालांकि हकीकत में वो चिढ़ाने के लिए या जानबूझकर कहा जाता है। और दूसरा फरीक जो पहले ही दिल में पेचुताब खा रहा होता है, वो भी गुस्से में कुछ कह देता है। गोया एक लघव हरकत से फिर अल्लाह ताला की इताअत से बाहर निकलते हैं और फिर लड़ाई तक बाद नौबत आ जाती है। अगर किसी को अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं है तो बेहतर है कि जलसे के माहौल से पहले खुद ही बाहर चले जाएं, जलसा में शामिल ना हों। दो चार लोग ही ऐसे होते हैं जो जमात की बदनामी का बायस बनते हैं, और जलसे पर आकर बजाय जलसे की बरकात से हिस्सा लेने के अल्लाह ताला की नाराज़गी हासिल करने वाले बन जाते हैं। क्या कभी अल्लाह ताला पसंद करेगा कि एक नेक मकसद के लिए जमा होने वाले मोमिन अपनी रूहानी तरक्की और नेक मकासद हासिल करने के बजाय फितना व फसाद को बढ़ाने वाले हों? अल्लाह ताला ने जब कामयाबियां हासिल करने वालों के बारे में फरमाया तो आजदाना नमाजों के बाद लघवियात से परहेज़ करने वालों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लघवे मुअरिज़ून। यकीन कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं और लघवियात से बचने वाले। बस यहाँ आए हैं एक नेक मकसद के लिए, नमाजों में भी तो तकरीबन लोग शामिल होते हैं, हर एक शामिल होता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि आजदाना नमाज़ें पढ़ो। अल्लाह ताला के कामिल फरमाबरदार बनते हुए नमाज़ें पढ़ो, ज़ाहरी नमाज़ें ना हों। बाजमात नमाज़ों का एक मकसद ये भी है कि जहाँ के एक वहदत पैदा हो, एक जिस्म बनकर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों, और इसी तरह एक दूसरे की रूहानियत और नेकी भी एक दूसरे में सरायत करे और जज्ब हो। बस जो आजाना नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, खालिस होकर अल्लाह ताला के आगे झुक रहे होंगे, उनका असर कम दर्जे वालों पर भी पड़ेगा जो साथ खड़े होंगे, लेकिन असर वही पड़ेगा जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला की कामिल इताअत करते हुए नमाज़ें पढ़ी जा रही होंगी। आजिज़ी होगी तब ये बातें होंगी। कई लोग मुझे लिखते भी हैं कि जलसे के दिनों में खुशू व खुजू की नमाज़ों का उन्हें बहुत मज़ा मिलता है, तो इस मज़े को हासिल करने की हर एक को कोशिश करनी चाहिए ताकि उन मोमिनीन में शामिल होने वाले बन जाएं जो फलाह पाने वाले हैं, जो कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फलाह पाने वालों और कामयाब होने वालों के लिए मुख्तलिफ़ ज़रिए बनाए हैं,
कि इन ज़रियों के अपनाने से हकीकी और मुकम्मल कामयाबी मिलती है। इसमें जैसा कि जो आयात मैंने पढ़ी हैं उनसे ज़ाहिर है कि दूसरा ज़रिया अल्लाह ताला ने लग़्फ़ से एराज़ का फरमाया है। बस इस तरह भी हर अहमदी को जलसे के दिनों में भी और बाद में भी ख़ास तो देनी चाहिए। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल ने फरमाया इसकी तशरीह करते हुए लग़्फ़ की कि इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यानी हर किस्म का झूठ, हर किस्म के गुनाह, ताश, जुआ, गप्पे मारना, नुक्ताचीनियाँ करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ताश जुए की मिसाल आपने दी है, इससे मुझे व्हाट्सएप पर भेजी हुई एक तस्वीर याद आ गई। बाज़ लोगों पर तो नेक माहौल और नेक और मुकद्दस मुकामात कभी कोई असर नहीं होता। एक हज पर जाने वाले का तो मैंने ज़िक्र किया है, इसकी मिसाल दी है। जिस तस्वीर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो मस्जिद में एतकाफ़ बैठने वालों की तस्वीर थी, जिसमें ऐसे लोग भी थे, कुछ लोग कुरान करीम पढ़ रहे या कुछ किताबें पढ़ रहे होंगे, हदीस वगैरह जो भी पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद का माहौल साफ नज़र आ रहा है और वहाँ ताश खेल रहे थे। लिखने वाले ने भी तो उस पर कमेंट अपना ये भी लिखा हुआ है कि मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं ये लोग। तो ये हाल है बाज़ लोगों की, बाज़ लोगों का, कि बातों में भी लगवियात करने से बाज नहीं आते, लेकिन फिर भी ये लोग पक्के मुसलमान हैं और अहमदी काफिर। ये लोग तो अल्लाह ताला से भी अमलन इस्तेहज़ा कर रहे हैं, इनसे बढ़कर अब कौन ज़ालिम हो सकता है। बस ये नमूने जब हम गैरों के देखते हैं तो हमें इनसे सबक लेना चाहिए कि कभी हमारे अंदर ऐसी बातें पैदा ना, और साथ ही हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई कि हमने ज़माने के इमाम को माना, जिन्होंने हमें बार बार इन लगवियात से बचने की तरफ तवज्जो दिलाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह लगवियात के बारे में बयान फरमाते हुए फरमाते हैं कि रिहाई याफ्ता मोमिन वो लोग हैं जो लग्व कामों और लग्व बातों और लग्व हरकतों, लग्व मजलिसों और लग्व सोहबतों से और लग्व ताल्लुकात से और लग्व जोशों से किनारा कश हो जाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम लगवियात की निशानदेही फरमा दी। अब जितनी बातों का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया है ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक लग्व काम दूसरे लग्व काम की तरफ लेकर जाता है। और अगर गौर करें तो लग्व काम, लग्व बातें और लग्व हरकतें जिनसे सरज़द होती हैं वो लग्व मजलिसों में बैठने वाले होते हैं, लग्व लोगों की सोबत से और मेल मिलाप से, ताल्लुकात से पैदा होती हैं, और लग्व किस्म के जोशों से, ज़रा ज़रा सी बात पर जोश में आ जाना और गुस्से में आ जाना, इनसे ही पैदा होती हैं। अब इतकाफ़ पर बैठकर ताश खेलने वालों की मैंने मिसाल दी है, कहने को तो मस्जिद में बैठे हैं, इतकाफ़ पर बैठे हैं,
लेकिन इबादत के मकसद पूरा करने के बजाय लगवियात में मुबतला है। अब इनके साथ बैठने वाले भी वैसे ही लोग होंगे जैसे ये हैं, ऐसे लोगों की सोबत भी ख़राब करती है, चाहे वो मस्जिद में बैठे हों। लेकिन हम जलसे पर आने वालों में इन दिनों में ऐसी पाक तब्दीली पैदा होनी चाहिए कि सिर्फ जलसे के दिनों में नहीं बल्कि बाद में भी हमारी सोबत में बैठने वाले हमेशा लगवियात से परहेज़ करने वाले ऐसी मजलिसें हों जिनके साथ बैठने वाले कभी रद्द नहीं किए जाते, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होने वाले लोग होते हैं। हमारे अखलाक आला हों, हमारी सच्चाई के मयार आला हों, जो दूसरों को भी हमारे अमली नमूनों को देखकर नेक तब्दीलियाँ पैदा करने वाला बना दें। एक जगह हमें नसीहत फरमाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक और बात भी ज़रूरी है जो हमारी जमात को याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि ज़ुबान को फजूल गोइयों से पाक रखा जाए। फरमाया, ज़ुबान वजूद की ड्योढ़ी है और ज़ुबान को पाक करने से गोया खुदा ताला वजूद की ड्योढ़ी में आ जाता है। जब खुदा ताला ड्योढ़ी में आ गया तो फिर अंदर आना क्या ताज्जुब है। ड्योढ़ी क्या है? ड्योढ़ी कहते हैं किसी घर के मेन दरवाज़े को, मेन गेट को। जब खुदा ताला आपके घर के करीब आ गया, दरवाज़े पर आ गया, तो फिर आप फरमाते हैं कि उसका अंदर आना, तो फिर कोई बईद नहीं, कोई ताज्जुब नहीं कर सकता कि वो अंदर नहीं आएगा। बस अल्लाह ताला लगवियात से बचने वालों और हुस्न अखलाक दिखाने वालों, नरम ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों के करीब हो जाता है, और इतना करीब हो जाता है कि अगर नेकियों में बाकायदगी रहे तो खुदा ताला फिर ऐसे लोगों पर अपना फ़ज़ल फरमाते हुए उन्हें अपना बना लेता है। अल्लाह ताला के घर में आना यही है कि उस बंदे को अपना बना ले, और जब अल्लाह ताला अपना बना लेता है तो इबादात में बढ़ने और नेकियों में बढ़ने की इंसान को तौफीक मिलती चली जाती है। बस नेकियों से नेकियां पैदा होती हैं और अल्लाह ताला के कुर्ब के रास्ते खुलते चले जाते हैं। हम यहाँ आए हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करें। जब यह मकसद है तो फिर सिर्फ तकरीरें सुनकर इल्मी हाजिर उठाने से ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। जब तक हम अपने अंदर अमली तब्दीलियाँ पैदा ना करें, और अमली तब्दीलियों के लिए जहाँ इबादत करते हुए अल्लाह ताला का हक अदा करना है, वहाँ आला अखलाक और लगवियात से बचकर एक दूसरे का भी हक अदा करना है, बस इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने हमेशा हमारी पर्दापोशी फरमाई हुई है, और हमारी गलतियाँ उभर कर गैरों के सामने नहीं आती। वरना अगर हम में से हर एक अपना जायज़ा ले तो हमें पता लगेगा कि कितनी कितनी गलतियाँ हैं, और हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वस्सलाम के मयार के मुताबिक कितनी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, और ये कमज़ोरियाँ जमात और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वस्सलाम के नाम को बदनाम करने का बायस बन सकती हैं। इसलिए आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने अपनी जमात को नसीहत करते हुए ये भी फरमाया है कि हमारी तरफ मंसूब होकर हमें बदनाम न करो।
अगर हमारी बातों के मयार अच्छे नहीं तो हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे होंगे। अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं तो हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे होंगे। अगर हम लघवियात में गिरफ़्तार हैं तो हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे होंगे। बस एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो हम अहमदियों पर हैं और हमें अपने जायज़े लेते रहने की ज़रूरत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर नसीहत करते हुए फरमाया कि जो शख्स ईमान को कायम रखना चाहता है वो आमाले सालिया में तरक्की करे। फरमाया कि ये रूहानी अमूर हैं और अमाल का असर अकायद पर पड़ता है। बस सिर्फ ये कहना कि मैं अकीदे के लिहाज से नहायत पुख्ता अहमदी हूँ काफ़ी नहीं है। अगर नेक अमाल नहीं है, आला अखलाक अगर नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अमाल सालिया में कमज़ोरियाँ ईमान में कमज़ोरी का भी बायस बन जाती हैं। फिर नमाजों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए आप फरमाते हैं कि नमाज सोज़ो गुदाज़ से अदा करो और दुआएं बहुत किया करो। बस इन दिनों में भी और हमेशा अपनी नमाजों में सोज़ो गुदाज़ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि खुदा ताला से हमारा ताल्लुक मज़बूत हो। और इन जलसों में शामिल होने का हकीकी मकसद तो यही है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें, आपस में अच्छे ताल्लुकात और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए आपने फरमाया कि जैसे रिफ्क हिल्म और मुलायमत से अपनी औलाद से मामला करते हो ऐसे ही आपस में भाइयों से करो। फरमाया जिसके अखलाक अच्छे नहीं हैं मुझे उसके ईमान का ख़तरा है क्योंकि उसमें तकब्बुर की एक जड़ है। आप फरमाते हैं कि तकब्बुर तो फरमाते हैं मुतकब्बिर दूसरे का हकीकी हमदर्द नहीं हो सकता। अपनी हमदर्दी को सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद न रखो बल्कि हर एक के साथ करो, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हर एक के साथ हमदर्दी करो। फरमाया खुदा सब का रब है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, खुदा तो हर एक का रब है, चाहे वो कोई हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। फिर फरमाते हैं कि हाँ मुसलमानों की खसूसियत से हमदर्दी करो, इंसानियत के नाते हर एक से हमदर्दी करनी चाहिए और मुसलमानों की ख़ास तौर पर करो। और फिर मुत्तकी और सालेहीन की इससे ज़्यादा खसूसियत है, और जो लोग मुत्तकी हों सालेहीन में शुमार होते हैं उनके साथ तो मज़ीद ताल्लुक बढ़ जाता है और बढ़ना चाहिए। बस ये वो नसाए हैं जो हमें अपने अंदर रूहानी तब्दीली पैदा करने वाला बना सकती हैं। एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात हमारे अंदर होंगे, तकब्बुर को हम दिल से निकालने वाले होंगे, अपनी औलाद की तरह एक दूसरे से नरमी और मुलायमत से और प्यार से बात करने वाले होंगे। अगर ये चीज़ें होंगी तो उन तमाम झगड़ों और फसादों से बचने वाले होंगे जो हमें वसा औकात इब्तला में डाल जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ जलसे पर भी ऐसे इजहार हो जाते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि हमारा यहाँ जमा होने का मकसद अपनी रूहानी और अमली हालत को तरक्की देना है, और ये मकसद हम उस वक्त पूरा कर सकते हैं कि एक कोशिश से अल्लाह ताला और उसके बंदों के हकूक़ अदा करने की तरफ तवज्जो देने वाले हों। बस इन दिनों में बहुत तवज्जो से इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हर एक को इसकी तौफीक अता फरमाए, जलसे की इंतज़ामिया के साथ भी भरपूर तआवुन करें। हालात की वजह से अगर बाज़ दफ़ा दाखिली रास्तों पर चेकिंग वगैरह में वक्त लग जाए तो वहाँ भी बर्दाश्त करें, हौसले और सब्र से काम लें। और बेशुमार ये जो काम करने वाले कारकुनान और
कारकुनात हैं, मर्द और औरतें हैं, बच्चे बच्चियां हैं, इनसे भरपूर तावन करें। ये ना देखें कौन किस उम्र का है, ये देखें कि आपको जो उसके ज़िम्मे काम दिया गया है वो उसको सर अंजाम देने के लिए आपको कुछ बातें कह रहा है जिस पर आपने अमल करना है। इनके लिए दुआएं भी बहुत करें कि अल्लाह ताला इनको सही रंग में काम की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला करे कि हम जलसे से हकीकी फैज पाने वाले हों और हज़रत मसीह अलैहि सलाम की दुआओं के वारिस बने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر